दोस्तों ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, वो साडा पिंड है धर्मपुरा, इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते। हमारे पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाज डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुन पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। रख 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 ये रुक जा मन रख 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 हाँ क्या हो जसवीर है। हाँ जी बाबा जी। होल्ला मोहल्ला दी असली शान जो है ना वो आनंदपुर साहिब में होंदी है। खेल तमाशे लंगर वो पंजाबी विरसे दी शान ही अलग है। हाँ हाँ जी पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। टेंशन ना लो पापा जी, टेंशन ना लो, असी भी होले मल्ले दी पूरी तैयारी कर ली है, देखते रह जोगे। और आवाज बता रे आवाज, आज के दिन ना वो पिंड वालों के साथ जो भी गिले शिकवे कुछ भी होते है ना वो सब कुछ भूल कर ना वो सबके साथ गले मिल जाते है। संभल गए। मम्मी दादू जसवी चाचू मैं जो ना सुगंधा आंटी से और राजीव अंकल से मिला मुझे बहुत मजा आया। और मेरे गोलगप्पे मजा क्यों नहीं आता, वो दोनों हैं इतने अच्छे। ओवा उई संभल के। ओए दसो किदा मनाओगे होली हैं। मम्मी आज के दिन हम लोग कुछ डिफरेंट होली बनाएंगे। कल बिग एफएम रेडियो पर दोस्ती के रंग से खेलो होली के बारे में बता रहे थे, यानी सबके साथ प्यार वाली और दोस्ती वाली होली। अच्छा वो आज के दिन ना हम अपने पिंड के बच्चों के साथ होली खेलेंगे और जप्पी पाएंगे। जादू की जप्पी पाएंगे और रंगों का मैजिक दिखाएंगे और रोशन लाल से मिठाई भी खाएंगे। मैं तो रविंदर के साथ खेलूंगी। अरे मंजू रानी चक्रवा काहे लगा रही हो। अरे हम सोच रहे थे कि होली के अवसर पर ये रविंद्र सदन का राज कैसन बाहर लाए। हाँ अरे करना का है, मिठाई खिलाइए। मिठाई मजाक समझियो का, ये राज उगलने वाली मिठाई है, मिठाई अंदर राज बाहर। हम नहीं मानते तो खा के देखो। हमें कुछ नहीं हुआ। अरे इतना जल्दी थोड़ा ही होगा, तो आप ही खाइए। हाँ तुम खाओ। एक बात बताए, हम दसवीं में 4 बार फेल हुए थे। एक तो बात हम भी बताए, तुम्हारी पॉकेटवा से ना सुबह 1000 का नोटा हमें चुराए थे। एक बात बताए, गाल हो तो सीना साइड जैसे। बताए जब आप लोग नहीं होते तो मैं वो खूब टीवी देखती हूँ। अरे अरे तीनों साहब ये मिठाई तो सचमुच काम करती है। ओए रावी तू किसके साथ होली खेलेगी, लड़कों के साथ
या लड़कियों के साथ? मैं तो सबके साथ होली खेलूंगी। हाँ, क्योंकि तू स्पेशल है ना। तुझे तो मैथ भी आता है। बस तू ही एक लड़की मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। गड़बड़ चक्कर क्या बोल रही है? तू भी अजीब लड़की है।